नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, मेरे देखने वाले मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव मसाले वाला। तो उसके लिए यहाँ मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब चावल लिए हैं, आधा किलो चावल हैं ये। उसके लिए यहाँ मैंने एक पाव के करीब मटर ली है, 3 से 4 अदद जो है टमाटर मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, 2 अदद प्याज ली है मैंने, और उसके बाद उसके लिए मैंने यहाँ जूलियन अदरक काटी है और हरी मिर्चों को काट के यहाँ पे हाफ हाफ करके रख लिया है, कुटी मिर्च 1/2 टेबल स्पून, तेज़पात थोड़ा सा, 3 से 4 अदद काली मिर्चें, 5 से 6 अदद लौंग, ये इलायची, इस तरह से ये मैंने इसका ये मुँह जो है ये खोल लिया है, हसबे जायका नमक और ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, फ्रेश पिसा हुआ, और ये यहाँ पे मैंने दही लिया है, यह इस्तेमाल करेंगे। तो आइए रेसिपी बनाने चलते हैं, मेरे साथ रहिएगा कहीं नहीं जाइएगा। यहाँ मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है ये ऑयल घी शामिल किया था, यहाँ मैं ऑयल में नहीं बना रही हूँ घी में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये प्याज जो है ये स्लाइस में काट ली थी और प्याज जो है इसको शामिल करा है मैंने, अब इसको थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसमें सब चीज़ें शामिल करेंगे, और ये ज़ीरा गरम मसाला जो है ये ऐड कर रहे हैं, ये देखें। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, और अब यहाँ पे हम ये लहसुन अदरक जो है ये शामिल कर रहे हैं। मटर शामिल करने के बाद यहाँ हम ये टमाटर जो हैं ये ऐड कर रहे हैं, ये हरी मिर्चें और ये अदरक जो है ये भी हमने जो स्लाइस में काट ली थी ये भी ऐड कर रहे हैं, ये देखें। बड़ा अच्छा बनता है पुलाव, मज़ेदार होता है। मटर पुलाव में रेसिपी डाल चुकी हूँ लेकिन यहाँ मैंने मसाले वाली आपके साथ शेयर की है, तो आप ये बनाइएगा मेरी रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और ये देखें नमक और कुटी हुई मिर्च शामिल करिए, और ये दही जो है ये ऐड कर रहे हैं, ये देखें। अब इसको हल्की आंच पे रख के पकाएंगे, और ये टमाटर जो हैं ये थोड़े गल जाएँ तो उसके बाद इसको जो है और जो है वो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी मटर पुलाव की, वो सादा मटर पुलाव मैंने बनाया था वाइट, उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती हैं, यहाँ मैंने ये सब चीज़ें ऐड की हैं। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। अगर आप मेरी वीडियो नए आए हैं मेरी वीडियो पर तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अदर टमाटर लिए हैं, हरा धनिया लिया है, यहाँ मैंने 4 से 5 कलियाँ जो हैं वो लहसुन की ली हैं, नमक लिया है, ज़ीरा लिया है, कुटी मिर्च लिया, हरी मिर्च ली है। अब मैं इसकी मटर चावलों के साथ ये चटनी जो है ये पीस के आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मटर चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। मटर चावल का ये कितना अच्छा सा भुन के तैयार हो गया है, तो यहाँ मैं इस स्टेज पर देखें ऑयल भी सारा जो है ये ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं चावल जो है इसमें ऐड कर लूँगी, तो ये देखिए चावल जो हैं यहाँ मैंने बासमती राइस लिए हैं, सेला नहीं लिए हैं, ये ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ जो है हम थोड़ा सा पानी जो है चावलों के हिसाब से ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। पानी जो है इतना ऐड करेंगे कि चावल जो है वो हमारे अच्छे से पक जाएं, देखें जी इसमें पानी शामिल कर दिया। यहाँ इस स्टेज पे मैं थोड़ा जो मैंने नमक डाला था वो चेक कर लूँगी कि नमक इसमें अगर कुछ कम होगा तो फिर नमक ऐड कर देंगे, बाकी अभी इसको पकने के लिए रखते हैं।
तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ शेयर की थी, ये देखिए ये कितनी अच्छी सी बनी है, लेकिन आज मैं ये हाथ से खाऊंगी। ये देखिए तो जल्दी जल्दी दीजिए। आने वाली नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।